दीपक, ये आपका बोनस। 30,000 रुपए। थैंक यू सो मच मैम। मुकुल, ये आपका बोनस। थैंक यू सो मच मैम। मोनू, ये आपका बोनस। हेलो, ठीक है आ रहा हूँ मैं। दिखाना भाई वाला फोन। ये लो भाई। कितने का ये? 10,000। वो क्या है ना, आज मुझे ऑफिस से बोनस मिला है, वो भी पूरे 30,000। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सोचा एक नया फोन ले लेता हूँ। क्या हुआ सर, पैसे दीजिए। एक मिनट, मैं दे रहा हूँ। वो शायद लगता है ना, मैं ऑफिस में ही पैसे भूल गया हूँ। भाई लगता है नहीं, लगता है बोनस ही आपको 2,000 मिले हैं। मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैडम, आपसे शायद कुछ गलती हुई है। गलती मुझसे? बताओ। आपने मुझे गलती से बोनस में सिर्फ 2,000 रुपये दिए हैं। नहीं मोनू, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे तुम्हें बोनस में 2,000 रुपये ही देने थे, इसलिए मैंने तुम्हें 2,000 रुपये दिए हैं। पर मैडम ऐसा क्यों? दीपक और मुकुल को तो आपने 30,000 रुपये बोनस में दिए हैं और मुझे सिर्फ 2,000 रुपये। मोनू तुम्हें याद है मैंने एक दिन तुम्हें एक काम बोला था? मोनू। यस मैम। मार्केट से ना कुछ फाइल होल्डर्स और कुछ पेन लेके आओ। ठीक है मैम, मैं ले। ये रहा मैडम, जैसे आपने बोला था सीट होल्डर और पेन दोनों में ले आया हूँ। कितने के आए? वो मैम मैंने बिल तो रिसेप्शन पे जमा करवा दिया है। दीपक। जी मैम। दीपक, मार्केट से ना कुछ फाइल होल्डर्स और कुछ पेन ला के दो। ओके मैम। ये लीजिए मैम, ये कुछ फाइल है और ये पेन, अपने अकॉर्डिंग ले आया मैं। कितने के आए? मैम ये कुछ 300 रुपीज़ के। मैम ये सबसे सस्ती फाइल है जो कि ऐसा नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हो, और मैम ये उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, ऐसा बुक आप यूज़ कर सकते हो, और मैम ये थोड़ी है, थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी की है, मगर ये आप बारिश में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैम ये सबसे अच्छी है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रहेंगे। मैम ये नॉर्मल पेन है जो कि 5 रुपीज़ का है, और मैम ये थोड़ा एवरेज क्वालिटी का है, मतलब ठीक ठाक है, और मैम ये सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कि आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करेगा, और मेरे अकॉर्डिंग मैम सबसे बेस्ट यही है। तो मैम आप फाइनली मुझे बता दीजिए कि कौन सी फाइल और कौन सा पेन रखना है आपको। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी देख के बता दूंगी। ओके मैम। अब समझ आया कि मैंने तुम्हें 2,000 रुपये और उन दोनों को 33,000 रुपये बोनस क्यों दिए हैं? क्योंकि वो दोनों अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और तुम वही लोग हो जो काम को फॉर्मेलिटी की तरह करते हो, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, बस जैसे तैसे एक काम निकल जाए। तुम उन लोगों में से आते हो जो घड़ी देखकर काम करते हैं, जो मेरी कंपनी के लिए बेस्ट देगा मैं भी उनको बेस्ट दूंगी, जो मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए सोचेगा मैं भी उनके लिए सोचूंगी। देने के लिए तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ, अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे लेते हो। जितना तुम मुझे अपना बेस्ट दोगे उतना मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूंगी। सॉरी मैम।